सबसे पहले जो है दोस्तों, आप सभी को काती बिहू और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। हे दोस्तों, कैसे हो, स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, इस वीडियो में जो है मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही एक्सक्लूसिव इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। जी हाँ दोस्तों, i20 2020 या फिर i20 नई जनरेशन भारत में जो है बहुत ही जल्दी लॉन्च होने वाली है और उसी के साथ साथ जो है कुछ लीक्ड इन्फॉर्मेशन हमारे पास सामने आ गई है। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि i20 में जो है आपको कौन कौन से ट्रिम्स देखने को मिलेंगे, कौन कौन से इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे और किस वेरिएंट पे कौन से इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, i20 में जो है अब आपको 3 इंजन ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। जी हाँ दोस्तों, फिलहाल जो i20 आती है BS6 में, उसमें सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन है जो कि है 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल। लेकिन दोस्तों, BS6 में जो है आपको ये पेट्रोल इंजन तो मिलेगा ही, साथ ही साथ एक 1 लीटर TGDI यानी टर्बो पेट्रोल मिलेगा और एक डीजल इंजन भी देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो है आपको वेन्यू वाला डीजल इंजन देखने को मिलेगा। अगर मैं ट्रिम्स की बात करूं दोस्तों, गाड़ी जो है अब आपको 4 वेरियंट्स में देखने को मिलेगी। अब मैं अगर BS6 वाली i20 को छोड़ के थोड़ा सा आगे जाऊं तो ट्रेडिशनली जो है i20 में 5 ट्रिम्स रहे हैं, एरा, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा और एस्टा ऑप्शनल। लेकिन दोस्तों, नई जनरेशन i20 में सिर्फ आपको 4 ट्रिम्स देखने को मिलेंगे। बेस वेरिएंट होगा मैग्ना, उसके ऊपर स्पोर्ट्स, उसके ऊपर एस्टा और टॉप वेरिएंट होगा एस्टा ऑप्शनल। अब दोस्तों, अगर मैं बात करूं कि कौन सा इंजन आपको किस वेरिएंट पे देखने को मिलेगा, दोस्तों जो 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल है वो दोस्तों आपको सभी वेरिएंट्स पे देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, आई रिपीट, मैग्ना, स्पोर्ट्स, एस्टा, एस्टा ऑप्शनल, चारों वेरिएंट्स में जो है आपको 1.2 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड सुपर साइलेंट, सुपर रिफाइंड 4 सिलेंडर वाला इंजन देखने को मिलेगा। अगर मैं बात करूं कि क्या आपको इस इंजन के साथ ऑटोमेटिक देखने को मिलेगा, दोस्तों जी हाँ दोस्तों, इस इंजन के साथ 1.2 पेट्रोल के साथ जो है आपको एक CVT देखने को मिलेगा जो कि अवेलेबल रहेगा स्पोर्ट्स वेरिएंट और एस्टा वेरिएंट पे, यानी स्पोर्ट जो कि सेकंड बेस वेरिएंट है और एस्टा जो कि सेकंड टॉप वेरिएंट है। इन दो वेरिएंट में जो है आपको 1.2 लीटर पेट्रोल i20 में CVT देखने को मिलेगा। अब मैं अगर दोस्तों बात करूं दूसरे इंजन ऑप्शन की जो कि सबका फेवरेट रहने वाला है, ये है दोस्तों 1 लीटर TGDI यानी टर्बो चार्ज पेट्रोल इंजन। अब दोस्तों, ये जो है इंजन पहले हमने वेन्यू में देखा है, वर्ना वगैरह में देखा है, लेकिन इसको जो है थोड़ा सा डिग्रेड किया जाएगा यानी पावर को जो है थोड़ा सा कम किया जाएगा, जस्ट लाइक दी ग्रैंडैड एंड नियोस। और ये इंजन जो है लगभग 100 PS के आसपास प्रोड्यूस करेगी। अगर मैं दोस्तों वेरियंट की बात करूं कि आपको कौन से वेरिएंट पे ये गाड़ी जो है देखने को मिलेगी, तो ये गाड़ी जो है आपको देखने को मिलेगी स्पोर्ट्स वेरिएंट और एस्टा वेरिएंट पे। आई रिपीट, मैग्ना में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा और टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल में आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ बीच के वेरिएंट यानी स्पोर्ट्स और एस्टा ऑप्शनल में जो है आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल देखने को मिलेगा। और यहां पर जो है मैं आपको एक ट्विस्ट बताऊं कि ये इंजन जो है आपको मैनुअल के साथ ऑफर नहीं किया जाएगा, ये आपको सिर्फ इन दो वेरिएंट्स पे IMT के साथ ही ऑफर किया जाएगा। अगर मैं दोस्तों बात करूं ऑटोमेटिक के ऑप्शंस की, इसके साथ दोस्तों इसके साथ जो है आपको एक 7-speed DCT देखने को मिलेगा जो कि हमने इससे पहले Hyundai वेन्यू में भी देखा है। अगर मैं दोस्तों ट्रिम्स की बात करूं कि आपको जो है 7 DCT कौन से ट्रिम्स में देखने को मिलेंगे, दोस्तों टॉप 2 ट्रिम्स एस्टा और एस्टा ऑप्शनल में जो है आपको 1 लीटर टर्बो पेट्रोल के साथ एक 7-speed DCT देखने को मिलेगा। अगर मैं दोस्तों एक बार सम अप करूं तो दोस्तों जो IMT है वो आपको देखने को मिलेगा स्पोर्ट्स और एस्टा वेरिएंट पे, और जो DCT है 1 लीटर के साथ वो आपको देखने को मिलेगा एस्टा और एस्टा ऑप्शनल वेरिएंट में। जो टॉप वेरिएंट है वो आपको सिर्फ 1 लीटर टर्बो पेट्रोल 7 DCT के साथ ही देखने को मिलेगा। अब दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट इंजन जो कि i20 में आने वाला है, क्योंकि दोस्तों अभी अगर हम सेल्स फिगर की बात करें दोस्तों, सोनेट उसकी बुकिंग जो है डीजल में बहुत ज्यादा है, क्रेटा उसकी जो 55% सेल्स है वो डीजल में है, तो इसीलिए जो है ये इंजन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है Hyundai के लिए। तो Hyundai जो है i20 में आपको एक डीजल इंजन ऑफर करेगी विथ प्रॉपर मैनुअल, IMT का कोई सीन नहीं है, प्रॉपर मैनुअल जो है आपको प्रोवाइड किया जाएगा। हालांकि अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करूं दोस्तों, गाड़ी में जो है आपको डीजल ऑटोमेटिक देखने को नहीं मिलेगा, एटलीस्ट जब गाड़ी लॉन्च होगी तब तो आपको बिल्कुल देखने को नहीं मिलेगा। अगर मैं दोस्तों ट्रिम्स की बात करूं दोस्तों, डीजल इंजन जो है आपको 3 ट्रिम्स में देखने को मिलेगा, बेस वेरिएंट मैग्ना, उसके ऊपर का वेरिएंट स्पोर्ट्स और टॉप वेरिएंट एस्टा ऑप्शनल। यहां पर से जो है दोस्तों एस्टा वेरिएंट को कट किया गया है और डीजल में जो है i20 सिर्फ 3 ही ट्रिम्स में अवेलेबल रहेगी, मैग्ना,
स्पोर्ट्स और एस्टा ऑप्शन। दोस्तों होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, नहीं लगी तो डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन डिसलाइक करते तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपने वीडियो को क्यों डिसलाइक किया। बाकी आप अगले वीडियो तक हेलमेट पहने, सीट बेल्ट पहने, अपनी फैमिली को भी थोड़ा सा टाइम दे, एम्बुलेंस को रास्ते में साइड दे। वंदे मातरम, भारत माता की जय।